नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721413385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे यूपी ट्रिपल एससी से संचालित होने वाली तमाम भर्तियों के टीजीटी पीजीटी एलटी सुपर टेट सी टेट यूपी कांस्टेबल एसडीआई आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। हमारे नोट्स के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थियों ने सफलता के असीम जो मतलब झंडे गाड़े हैं, इसके लिए मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने जिस तरीके से मतलब हमारा सहयोग किया, हमारा सपोर्ट किया और हमारे ऊपर भरोसा किया, उस भरोसे पर हम पूरी तरीके से 100% खरे उतरे, इसके लिए उन्होंने भी हमें धन्यवाद ज्ञापित किया है। 9721413385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। और आज नवरात्रि का दिन है, जाहिर सी बात है बहुत सारे भाई बहन हमारे व्रत भी होंगे और देवी माँ की आराधना उन्होंने मन से की होगी। देखिए, एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रही है आपके लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग से एक खुशखबरी ये है, एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग के लेकर के। एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग के संबंध में कल की डेट में मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जेडी महोदय, शिक्षा निदेशक जो हैं, उन सभी लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने चल रही है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी शामिल होंगी। साथ ही साथ आपके जो मतलब लोक सेवा आयोग के तमाम अधिकारी भी होंगे, संयुक्त शिक्षा निदेशक भी होंगे, माध्यमिक शिक्षा निदेशक भी होंगे, उसके साथ में माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी होंगी। और उम्मीद की जा रही है कि कल की यदि बैठक ये हो जाती है तो एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग के लिए कुछ स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। साथ ही साथ आज लोक सेवा आयोग ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की जो भर्ती आने जा रही है उसका विज्ञापन आपको अप्रैल माह में ही देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि टाइम शेड्यूल इन्होंने जो तय किया है, जून में इसका पेपर कराने का निश्चय लोक सेवा आयोग ने किया है और लोक सेवा आयोग ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जो टाइम स्लॉट उन्हें मिल रहा है उस टाइम स्लॉट के अनुसार जून माह में ही इसका पेपर होना तय है। इसके लिए आप सभी लोगों को अभी से ही कमर कस के तैयारियां करनी होंगी। जो सूचना प्राप्त हो रही है उस सूचना के आधार पर मैं आपसे कह सकता हूं कि यूपीपीएससी से जो भर्ती आ रही है, आपकी एसडीआई की भी भर्ती आएगी, तीन बड़े विज्ञापन जारी होने चल रहे हैं। तीन बड़े विज्ञापन, आपका एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी, ये तीन बड़े विज्ञापन आपको जो है मतलब बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। अगली जो प्रमुख अपडेट निकल करके आ रही है वो है यूपी ट्रिपल एससी से, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। आज सचिव महोदय से जो मतलब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया उन्होंने कि 15,000 से अधिक पदों पर जो विज्ञापन लोक सेवा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वो जारी करने चल रहा है। और टेट के रिजल्ट को लेकर के मंथन शुरू हो चुका है और टेट का रिजल्ट को लेकर के आज एक महत्वपूर्ण बैठक पीएनपी में होने चल रही है और शासन से टेट के रिजल्ट को जारी करने की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है, पीएनपी को आज ही मिली है। तो उम्मीद की जा रही है कि टेट का रिजल्ट आपका अब बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर के भी जो है आज मीटिंग है और उस मीटिंग का सारांश क्या निकलेगा, क्या होगा, क्या क्या बातें हुई हैं, किस तरीके से सारी चीजें हुई हैं, वो सारी जानकारियां आपको जो है वो उपलब्ध करा दी जाएंगी। बीएड की अनिवार्यता को लेकर के जो मतलब बीएड का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, वहां पर केंद्र सरकार ने एमएसआरडी मंत्रालय ने, शिक्षा विभाग जिसे आप बोलते हैं, शिक्षा मंत्रालय, उन्होंने जो अपना एफिडेविट लगाया था उसका काउंटर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि संसद का जो अधिवेशन बुलाया गया था उसके जो मोदी कैबिनेट का जो डिसीजन था नीतिगत मामलों में, सुप्रीम कोर्ट भी जो है दखल नहीं देता है। इसके लिए जो मतलब अगली सुनवाई निश्चित की गई है, अगली सुनवाई कब होगी अभी इसके जो है पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन शीघ्रातिशीघ्र जो है प्रयास करेंगे हम लोग कि इसकी पुष्टि हो जाए कब अगली सुनवाई लगी हुई है। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए अब आपका टेट के रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, उसके साथ ही साथ आपका जो है
सुपर टेट का विज्ञापन भी आएगा। सुपर टेट का विज्ञापन कितने पदों पर आएगा यह स्पष्ट हो चुका है। जो सुपर टेट का आपका विज्ञापन आने चल रहा है वह विज्ञापन होगा लगभग 64,000 पदों पर। 64,000 पदों पर आपका विज्ञापन ये देखने के लिए मिलेगा। शेष जो पद आएंगे वो जो मतलब पद आपको अगले विज्ञापन में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि दो शिफ्ट में जो है वो विज्ञापन जारी करने की बात सामने आ रही है। उसके साथ ही साथ एडेड जूनियर हाई स्कूल में जो नए अध्याचन प्राप्त हुए हैं उन अध्याचनों का भी विज्ञापन जारी किया जाएगा, क्योंकि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में 7,000 से अधिक रिक्तियां वो पीएनपी को प्राप्त हो चुकी हैं और पीएनपी ने एक प्रस्ताव बना करके माध्यमिक आपके बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पास भेजा है और कार्मिक विभाग को भी भेजा है। चूंकि आप जानते हैं कार्मिक विभाग और नियुक्ति संबंधी मामले जो है मंत्रालय जो है वो महाराज जी के पास है, तो उनके पास भी अनुमति लेने के लिए भेजा गया है। सुपर टेट की भी अनुमति लेने के लिए भेजा गया है, जैसा कि पीएनपी सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि सुपर टेट के लिए भी जो है मतलब जो प्रस्ताव था हमने जो है 64,000 पदों का बना करके भेज दिया है। शासन की मंजूरी मिलते ही टेट का रिजल्ट जारी होते ही हम सुपर टेट का विज्ञापन भी जारी कर देंगे। देखिए एक चीज मैं आप सभी लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पॉजिटिव तरीके से अगर आप सोचेंगे तो आपके साथ चीजें भी पॉजिटिव होने लगेंगी। यदि आप निगेटिव चीजें सोचते रहोगे तो आपके साथ पॉजिटिव चीजें भी निगेटिव हो जाएंगी। इसलिए आप सभी लोगों को एक बात, सिर्फ एक बात निश्चय करके जो है मतलब तैयारी करनी है कि इस बार साम दाम दंड भेद सर मूण कपार जोन भी होए मतलब करके हमें एक सीट प्राप्त करनी है, ठीक है ना। एक सीट के लिए मेहनत करिए, एक सीट के लिए मेहनत करिए, अपने आप को समझाइए, अपने आप को जो है मतलब समय दीजिए, अपने पीछे जो है मतलब धन खर्च करिए, जो है अच्छा खाइए, अच्छे से नींद लीजिए, अच्छी सी पढ़ाई करिए, स्टडी मटेरियल वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से संपर्क कर सकते हैं 97 41 13 85 पर। टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन को लेकर के भी जो है आज बोर्ड में मंत्रा जो है मीटिंग बुलाई गई थी, चूंकि आज शनिवार है तो आप जानते ही हो कि शनिवार को जो है मतलब कई सदस्य जो होते हैं वो नहीं आ पाते हैं, लेकिन मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन को लेकर के एक मीटिंग अहम मीटिंग होने चल रही है। उसके साथ ही साथ समायोजन के मुद्दा, संस्था प्रधानों के इंटरव्यू आदि का मुद्दा, बायोलॉजी 2011 के रिजल्ट का मुद्दा, इन सारे मुद्दों पर जो है मतलब वो डिस्कशन किया जाएगा। और आप सभी लोगों को मैं रिलैक्स करना चाहता हूं कि विज्ञापन आपका अब आने को तैयार है, बस आप लोग जो है मतलब पॉजिटिव तरीके से होकर के पॉजिटिव सोच के साथ पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़िए, तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, ताकि इस बार आपको एक सीट मिल जाए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। जैसी भी जो भी जानकारी निकल कर आएगी तत्काल आपको चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा।